हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ब्यूटीफुल सा डोरमेट, इसे हम थालपोस भी कह सकते हैं। तो जिसमें आपको अच्छा लगे वैसा डिज़ाइन बनाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, इसे कैसे बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर लिया है। तो इसमें अगर आप शुरू से बनाएंगे तो भी इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, उतने ही फंदे लेने जितने मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें आपको मैंने इसमें लिए हैं 37 फंदे, तो 37 फंदे आपको लेने हैं। और शुरू में ये जो चेन वाला डिज़ाइन चलेगा वो हमारा 13 फंदों पर चलेगा। देखिए हमारी जो चेन है वो 13वें फंदे पर आएगी और पीछे से हमें तीन तीन के घर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ, यानी कि 8 से 24 24 फंदे आपको तीन तीन के हिसाब से यहाँ पर छोड़ने हैं और 13 फंदे 13वें फंदे पर ये चेन आएगी। तो 37 फंदे हम ले लेते हैं। तो बुनना शुरू करते हैं, कैसे करना है। तो पहली सिलाई आप उतार लोगे और फिर उसके बाद आपको बुनने हैं 12 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 13वें फंदे पे आपको चेन डालनी है। ये चेन मैंने पहले से डाल रखी है, तो अगर आप शुरू से बुन रहे हैं तो भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही बुन रहे हैं तो भी ये चेन अपने आप बन के आ जाएगी। देखिए अब कैसे करना है। 13वें फंदे पे आपको ये सिलाई ऐसे निकालनी है और ये ऐसे बुनना है। तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया, तो अब ये हमारे 13 फंदे थे तो 13 के हमारे 14 फंदे हो जाएंगे। और यहीं से आपको घुमा लेना है सिलाई को, यहीं से घुमा के आपको इन फंदों को बुन लेना है। देखिए हमारे 14 फंदे हो गए। ये हमारा पहला फंदा, ये हमारा दूसरा फंदा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। हमारे जो फंदे हो गए ये 14 फंदे हो गए। अब हर सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो वो वहीं और इस तरह से जो हमारी जाली है वो डलती चली जाएगी। देखिए फिर दोबारा से बुनते हैं, पहला फंदा हम उतार लेते हैं और अब ये 14 फंदे बुन लेते हैं। ये 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13। हमारा एक फंदा बढ़ गया था, पहले हमने 13वें फंदे पे चेन डाली थी, फिर हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब हम 14वें फंदे पे वो डालेंगे चेन। तो चेन डालने का तरीका वही है, ऐसे करना है, हमें उल्टी सिलाई बुननी है और इसको ऐसे बुन लेना है। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, लेकिन अब आपको यहीं से नहीं घुमाना, तीन फंदे यहाँ से ले लेने हैं, इसको आगे कर लेना है और तीन फंदे हम यहाँ से बुन लेंगे। यानी कि हर बार तीन तीन फंदे अब हम यहाँ से उठाते हुए चले जाएंगे, इसमें से तीन तीन फंदे हम उठाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और यहीं से अब इसको घुमा लेते हैं, पहला फंदा हम उतार लेते हैं, यहाँ से अब बुन लेंगे। देखिए हमारे जो फंदे हैं वो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, अब ये 15 फंदे हो जाएंगे। इसको पूरी कर लेते हैं सिलाई को। ये देखिए मैंने पूरी कर ली। अब देखते हैं जो चेन है, ये देखिए ये चेन आपकी आ रही है। फिर दोबारा से देखिए, ये पहला फंदा आप ऐसे उतारेंगे, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14।
हमारा एक फंदा और बढ़ गया। अब ये 15वीं सिलाई पे यानी कि जो 15वां फंदा है उस पे हमारा फंदा बढ़ेगा। इसको ऐसे घुमा के बढ़ा लीजिए और तीन फंदे हमने बुन लिए थे वो हम बुन लेंगे इसको आगे करके। एक दो ये तीन, अब तीन फंदे और बुन लेने इसके साथ ही। ये एक दो तीन और सिलाई को यहीं से घुमा लेना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हर बार एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ से तीन तीन फंदे हम उठाते हुए चले जाएंगे। तो जब तक ये कंप्लीट होता है मैं ये थोड़ा सा बुन के फिर आपको बताती हूँ कि कैसे कंप्लीट होगा, कैसे ये दिखेगा। ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक तीन तीन फंदे हमने सारे बुन लिए। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा फंदे जो बढ़ गए हैं उनको हमें घटाना शुरू करना है। हमें सिर्फ यहाँ 13 फंदे रखने हैं और बाकी जितने भी फंदे हमारे बढ़ गए हैं वो सारे हमें घटाने हैं। तो चलिए घटाना शुरू करते हैं और हमें सिर्फ 13 फंदे ही रखने हैं। तो घटाना कैसे, इन दो को आप एक साथ ऐसे बुन दीजिए, ये हमारा फंदा घट जाएगा। फिर इसको इसके साथ लेना है और इसको भी इसके साथ बुन दीजिए, ये भी घट जाएगा। फिर दोबारा से वही करना है, ऐसे बुनना है, एक साथ लेना है, बुनते हुए चले जाना है। और हमें यहाँ पर 13 फंदे ही रखने हैं, जैसे हमने शुरुआत की थी 13 फंदों से हमें 13 फंदे ही रखने हैं। तो गिन लेते हैं हमारे 13 फंदे रहे या नहीं। एक चेन से गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी कि अभी हमें दो फंदे और घटाने हैं। दो फंदे और घटा लेंगे जल्दी से। ये हमने घटा लिया, अब हम गिनते हैं हमारे 13 फंदे हैं या नहीं। चेन से गिनना शुरू करना है, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये 13, यानी कि हमारे 13 फंदे आ चुके हैं दोबारा से। अब हमें इस सिलाई को भी वैसे ही निकालना है। ये हमारे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और हम चेन वाले फंदे पर पहुंच के 13वें फंदे पर पहुंच गए। इसको सिंपल आपको कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, इसको आप ऐसे पीछे करेंगे और इसको ऐसे सिंपल आपको बुन लेना है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी को आप ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर जो 24 फंदे हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब आपको ऑरेंज कलर लगाना है तो वो कैसे लगाना है वो भी देखिए। वो हम लगाएंगे पीछे की तरफ से, कोई भी डिज़ाइन शुरू करना है तो वो पीछे की तरफ से डिज़ाइन शुरू करना है। तो अब हम ऑरेंज से इसी तरह की पत्ती बनाएंगे, जैसे ये हमने बुनी थी वैसे ही ऑरेंज से बनानी है। तो वो कैसे बनानी है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा जो ग्रीन की पत्ती है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम ऑरेंज की पत्ती स्टार्ट करेंगे, उसे भी इसी तरह से बुनना है जैसे आपने ग्रीन को बुना है, वो भी आपको वैसे ही बुनना है। ये देखिए ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको ऑरेंज कलर लगाना है तो उल्टी तरफ से हम ऑरेंज की एक सिलाई पूरी कंप्लीट निकाल लेंगे, दोनों धागों को इस तरह से खींचना है। ऑरेंज से पूरा निकाल लेंगे इसको। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और आप इसे पायदान में भी यूज़ कर सकते हैं, थालपोश में भी यूज़ कर सकते हैं, या टेबल मैट है, पूजा का आसन है, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं इस कलर से। अब आपने जैसे ऑरेंज की पत्ती, ग्रीन पत्ती आपने बनाई थी, वैसे आपको ऑरेंज की पत्ती बनानी है। देखिए आपको पहला फंदा उतार लेते हैं, एक इसको आगे कर लेते हैं धागे को, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और जो तेरहवां फंदा आ गया इस पर हमें फंदा बढ़ाना है इस तरह से। ये फंदा आपको बढ़ा लेना है और यहीं से आपको टर्न कर लेना है, यहीं पे आपको घूम जाना है। अब इनको बुनते हुए चले जाएंगे। अभी हमारे 13 फंदे थे, अब हमारे ये फंदे हो गए 14। अब जो चेन डलेगी वो 14 फंदे पे डलेगी, जैसे हरे रंग के डिज़ाइन में हमने किया था। ये बिल्कुल वैसे ही बुनना है, इसमें आपको कुछ भी अलग से बुनने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक सिलाई और देख लेते हैं, हम इसमें कैसे निकालेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारे थे 13 फंदे, अब हमारे हो गए हैं 14 फंदे। पहला फंदा उतार लेते हैं, इसको आगे किया, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और अब 14 फंदे पे हमारा ये चेन डलेगी। तो चेन डालने के लिए फिर आपको वैसे ही करना है, ऐसे बुनना है फंदे को। अब यहाँ से हमें लेने हैं 3 फंदे लेने हैं और वापस यहीं से टर्न कर लेना है। तो जिस तरह से ऑरेंज बनाया है, जिस तरह से ये ग्रीन बनाया है सॉरी, इसी तरह से आप ऑरेंज को कंप्लीट कर लीजिए और ये वैसे ही पत्ती बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं सिलाई को पूरा करके आपको दिखाती हूँ बाकी जो मैंने बना रखा है। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीट कर लिया डिज़ाइन। अब इसमें हमें 6 कलियाँ ग्रीन की डालनी हैं, 6 कलियाँ ऑरेंज की डालनी, ये हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बनाइए, बनाने के बाद देखिए कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।